नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो लेक्चर देखते हैं। इससे पहले मैंने चार लेक्चर डाला है फिजिक्स में, इसमें क्लास इलेवेंथ वाले टॉपिक में चार टॉपिक डाला है, जिसमें मैंने बीमा से रिलेटेड तीन डाला है। चौथा ये है आपको विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी कहने का मतलब ये है कि भौतिक राशियों में रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है, भौतिक राशियाँ कैसे डिपेंड करती है और उनको मिला के कैसे एक इक्वेशन बनाया जाता है, इसको विमीय विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान कण पर लगने वाला बल, अभिकेंद्र बल, मैं आंसर लिख रहा हूँ अभिकेंद्र बल एफ, कण के द्रव्यमान एम, फिर कह रहा है वेग भी और पथ की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब ये होता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी आर। अब हम चूंकि बीमा का मतलब ये होता है मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में व्यक्त करना, तो हम एम भी और आर के क्या करेंगे, पावर को मानेंगे। हमने माना एम टू द पावर क्या है, ए, वी टू द पावर बी और सी टू आर टू द पावर सी है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। जैसा कि आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक राशि आती है बराबर और एक कांस्टेंट आता है के। कर दीजिए एम के पावर क्या हो गया, ए, वी के पावर बी और आर के पावर सी। इसको आप कर दे दोस्तों इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप के सवालों में क्या करता है कि इस पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्हों को हटाकर बराबर और एक कांस्टेंट रखते हैं, एम के पावर ए, वी के पावर बी और आर के पावर सी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों की क्या करेंगे दोस्तों, बीमा लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की आप बीमा लिखें। तो जब आप दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो एफ की बीमा आपको पता ही है कि क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। तो ये वाला जो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और कांस्टेंट के होगा, एम का बीमा एम होती है, वेग क्या है एल टी माइनस वन के पावर बी और दूरी आर है ना, तो एल के पावर क्या होगी सी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बीमा लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या किया जाएगा, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं ऊपर मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे एम एल टी माइनस टू के, एम के पावर क्या होगा ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर माइनस बी और एल टू द पावर सी। हल करते हैं के एम के पावर ए, अब एल के पावर बी और एल के पावर सी, तो एल के पावर बी प्लस सी और टी टू द पावर माइनस बी, ये हो गया और ये हो गया एम एल टी माइनस टू। इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो के दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण दो के दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बताइए एम के पावर इधर क्या है, एक है, तो एम के पावर इधर क्या है, एक, ए बराबर क्या हो गया एक, इधर क्या है एल के पावर एक है या बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो गया एक। इक्वेशन कर दें आप तीन, मैं नीचे अब मिटा रहा हूँ। अब देखिए टी के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस बी, तो माइनस बी बराबर क्या हो गया माइनस टू, ये कट गया, बी बराबर क्या आ गया दो, इक्वेशन क्या हो गया चार। अब बी का मान उठाइए और कहाँ रखिए तीन में, लिखेंगे बी का मान समीकरण तीन में रखने
तो जब समीकरण तीन में रखोगे तो b प्लस क्या होगा, c प्लस टू प्लस क्या होगा, c बराबर एक तो c बराबर क्या होगा वन माइनस टू, तो c बराबर क्या होगा माइनस वन। यानी कहने का मतलब ये है a की वैल्यू एक, b की वैल्यू दो और c की वैल्यू माइनस एक। तो अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण एक में। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसे उतार लीजिए अब थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए मैं अब आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ इसको। लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण एक में रखने पर, जो आप ऊपर जहाँ इक्वेशन एक होना था तो एक में अगर रखोगे तो एफ इक्वल्स टू के था, एम के पावर क्या था, एम के पावर क्या था ए, तो एम जो एम के पावर क्या आएगा एक, भी के पावर क्या था बी, बी बराबर क्या है दो, और आर के पावर क्या था सी माइनस वन, तो एफ बराबर क्या हो गया के एम भी स्क्वायर बाई क्या हो गया आर को नीचे लाओ तो ये हो गया आर, तो एफ बराबर क्या हो गया के एम भी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर पाँच। और एक बात को आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो कांस्टेंट होती है, इस कांस्टेंट का मान जो होता है हम विमीय विधि से नहीं निकाल पाते हैं, तो यहाँ पर आप करके छोड़ भी सकते हैं। या अब थोड़ा मैं एक स्टेप थोड़ा और भी आगे बढ़ जा रहा हूँ, चूँकि लिखेंगे चूँकि k बराबर क्या होगा वन है तो f बराबर क्या होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर अगर k की वैल्यू क्या हो एक हो तो f बराबर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये क्वेश्चन नंबर छः हो गया। और यही अभिकेंद्र बल का क्या है फॉर्मूला है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, फिलहाल ये तो पहला चैप्टर है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी धागे से बांधकर आप क्या करते हैं वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो उसके अंदर की तरफ क्या लगता है फोर्स लगता है, तो उसी बल को क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी पिंड हो अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है यानी वृत्त में घूम रहा है तो उसके सेंटर की तरफ यानी केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी बल को क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ तक दोस्तों था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी मैंने एक इसको एक बेसिक तौर का क्वेश्चन था जो बार बार पूछा भी जाता है आपके पेपर में। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक पद्धति के मात्र विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का यही प्रोसेस है। तो मैंने इसे भी सॉल्व किया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।